नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डब स्टडी चैनल पे। फिर दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती जो कि 16,000 पदों पे आने वाली है उसके विज्ञापन के बारे में, 12 लाख अभ्यर्थी दोस्तों आवेदन के बारे में हम बात करेंगे, 69,000 शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी जल्द मिलेगी इसको लेकर भी दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ में अगर बात करें लोक सेवा आयोग से, तमाम दोस्तों विभागों के अंदर भर्ती का इंतजार किया जा रहा है। एलडी ग्रेड के खाली पदों के साथ साथ अन्य ऐसे 208 विभाग है जिसके अंदर 200 भर्ती आने वाली है। वहीं दोस्तों अगर बात करें एनटीपीसी को लेकर 27 लाख अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं इसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो बनवा में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं 16,000 शिक्षक भर्ती को बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है, उसके साथ साथ दोस्तों एक 34,000 शिक्षक भर्ती आपको और देखने के लिए मिलेगी, जो कि मामला था दोस्तों तदर्थ शिक्षकों का। उनकी यहाँ पे नियुक्ति समाप्त हो गई है। समाप्त होने के बाद में उनके जो पद खाली होंगे उन पदों पर दोस्तों आपको जो भर्तियाँ हैं वह देखने के लिए मिलेगी। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है। ज़्यादा जानकारी के अंदर दोस्तों आप सभी जाना चाहते हैं तो आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, जिसके अंदर 16,000 भर्ती जो कि 18,000 के नाम से मैंने आपको बताया था और साथ में 34,000 भर्ती को लेकर स्पेशल वीडियो बना दिया है। उसी क्रम में दोस्तों आप सभी यहाँ पर भी देख पाए देखने के लिए मिल जाएगा 16,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती होनी है। जैसा कि आप सभी को बताए 4,500 दोस्तों अगर बात करें सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज के अंदर आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। 2011, 2013, 2016 के बाद दोस्तों भर्ती यहाँ पे अभी तक नहीं निकली है। 2016 वाली भर्ती दोस्तों अभी भी लंबित है। बायोलॉजी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन भी करते रहते हैं, लेकिन वहाँ से अभी तक दोस्तों जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाता है। आज की तारीख के अंदर भी दोस्तों टीजीटी पीजीटी की भर्ती के बारे में दोस्तों आज विज्ञापन जारी करने के लिए धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा, जहां पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में दोस्तों जानकारी लेने की कोशिश की जाएगी, बायोलॉजी परीक्षा के बारे में, साथ में दोस्तों जो आगामी प्रोसेस है जिसके अंदर नई शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी इसके बारे में दोस्तों एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जो भी जानकारी निकलेगी आपको बता दी जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों तदर्थ शिक्षकों के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। अगली टीजीटी पीजीटी जो आएगी इसके अंदर आपको इंटरव्यू देखने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब टीजीटी के अंदर नहीं होगा, पीजीटी के अंदर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ऐसे में दोस्तों आप भी यहां पर भी देख सकते हैं, जैसा कि आपको पता है नई शिक्षक भर्ती के अंदर दोस्तों बीएड अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, टीजीटी के लिए पीजीटी के लिए कोई भी कर सकता है। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी यहाँ पर भी देख पाएँ 4,500 से अधिक दोस्तों आप सभी को बताएं विद्यालयों के अंदर जो भर्ती परीक्षा वो देखने के लिए मिलेगी, मतलब दोस्तों उनके लिए की जाएगी। पदों की संख्या लगभग 16,000 है, जिसमें दोस्तों अगर बात करें आवेदन करने वालों की संख्या 12 लाख के आसपास देखने के लिए मिल सकती है। यह एक अनुमान है जिसके आधार पर देखने के लिए मिल रहा है। 2016 से दोस्तों जो भर्ती आपको देखने के लिए मिली 7,950 और साथ में पीजीटी के दोस्तों लगभग 1,344 पदों पर हुई थी, जिसमें आवेदन की संख्या लगभग दोस्तों आप देखेंगे 11.5 लाख के आसपास देखने के लिए मिली थी। और यहां पर दोस्तों बीएड अभ्यर्थी पास होने वालों की संख्या काफी ज्यादा है और इस बार पदों की संख्या टीजीटी के अंदर लगभग 13,237 है, पीजीटी के अंदर 2,896 देखते पदों पर सूचना मिल चुकी है। हालांकि यह दोस्तों संख्या घट बढ़ सकती है, चयन बोर्ड ने दोस्तों इन पदों पर तैयारी लगभग पूरी कर ली है। ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर बनवाने की दोस्तों तैयारी भी देखने के लिए मिली, उसकी सिक्योरिटी दोस्तों ऑडिट करने के बाद में जल्द आपको विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं जो तदर्थ शिक्षकों का मामला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हुआ है उनको भी दोस्तों इसके अंदर आवेदन करने का मौका मिल सकता है, या फिर जो भी होगा दोस्तों ये चयन बोर्ड की तरफ से स्पष्टीकरण दिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों भर्ती आप सभी की अक्टूबर के अंत में देखने के लिए मिल सकती है, जो कि पहले सितंबर माह के अंदर आने वाली थी। मैंने दोस्तों एक वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर आपको बताया था कि 50,000 पदों पर भर्ती हो सकती है। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी को उसके अंदर ही मैंने कहा था कि जो 1-2 महीने आगे भी बढ़ सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें लगभग 200 बीएड अभ्यर्थी दोस्तों अगर बात करें 15 लाख के आसपास ऐसे अभ्यर्थी जिनकी दोस्तों बीएड हो चुकी है बेरोजगार हैं, तो आवेदन की संख्या 12 लाख के आसपास रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों आप सभी यहां पर देख पा रहे हैं अगली अपडेट की तरफ, 69,000 शिक्षक भर्ती के जजमेंट को लेकर अभ्यर्थी खासा परेशान है। सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं, कोई जजमेंट में देरी को लेकर ये बताता है कि जजमेंट देरी इस वजह से देखने के लिए मिल रही है क्योंकि 40-45 आ रहा है, इसके बारे में मैंने बता दिया था, आपको भ्रमित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ तमाम चीज़ें ऐसी भी देखने के लिए मिल रही हैं कि जजमेंट 4 से 5 महीने के बाद आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा न्यायालय से दोस्तों जल्द आप सभी के सामने खुशखबरी आने वाली है। वकीलों, अधिवक्ताओं से
दोस्तों प्राप्त जानकारी के अनुसार अब दोस्तों आपको बिल्कुल ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि काफ़ी लंबा इंतजार हो चुका है, लेकिन बेंच के ना बैठने की वजह से आपका जो मामला है वह दोस्तों अभी तक निस्तारित नहीं हुआ था। तो ऐसे में दोस्तों अगले हफ्ते के बाद दोस्तों आपका जो ऑर्डर 100% आने की संभावना है। हालांकि 14 तारीख से पहले संभावना काफ़ी मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर 9 तारीख तक की जो कॉजिस्टें जारी हुई हैं उसके अंदर अभी तक जो आपका ऑर्डर है वो नहीं आया। तो ऐसे में दोस्तों थोड़ा पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार दोस्तों अगर बात करें उनकी तरफ से बताया जा रहा है अब इस मुद्दे के ऑर्डर को लेकर आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जल्द दोस्तों आपके सामने जो ऑर्डर है वो देखने के लिए मिल जाएगा। जब भी दोस्तों ऑर्डर आना होगा उससे 12-13 घंटे पहले दोस्तों सप्लीमेंट्री कॉजिस्ट यहाँ पर जारी होगी और सप्लीमेंट्री के अंदर आपका जो मामला है वो लगा होगा। लेकिन 69 हज़ार के अंदर थोड़े से कुछ तमाम मुद्दे और भी लगे हुए जो कि थोड़े महत्वपूर्ण भी हैं। जैसा कि आप सभी को बताया दोस्तों आंसकी का मामला है, एक मामला दोस्तों MRC को लेकर है जिसकी सुनवाई दोस्तों फ्राइडे को होने वाली, जिसके बारे में दोस्तों देर रात को आकर मैंने आप सभी बताया था, और साथ में इसको लेकर एक धरना प्रदर्शन भी होने वाला है जो कि आपको SCRT पर देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के लिए फिलहाल ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है जल्द आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा। और साथ में जो दोस्तों अन्य चीजें देखने के लिए मिल रही है NCVC की तरफ से, इसके बारे में दोस्तों जैसी कोई जानकारी निकलेगी आप सभी को बता दी जाएगी। ये दोस्तों बात जो होती है 69,000 भर्ती के बारे में। वहीं दोस्तों अगर बात करें तमाम भर्तियों को लेकर, जैसा कि दोस्तों आपको बताया LT ग्रेड भर्ती के अंदर तमाम ऐसे दोस्तों जो पद हैं वो खाली चले गए थे जिसके अंदर दोस्तों अभ्यर्थी यहाँ पर चयनित नहीं हो पाए थे। तो ऐसे में दोस्तों उनकी एक नई भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। अब वह दोस्तों नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगी या फिर लोक सेवा आयोग से होगी या चयन बोर्ड से होगी, इसके बारे में फिलहाल आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन लोक सेवा आयोग से ऐसी बहुत सारी भर्तियाँ हैं जिनके दोस्तों यहाँ पर जो हजारों पद खाली पड़े हुए हैं, अगर दोस्तों इन पर होगी तो आगामी समय के अंदर बड़ा बेनिफिट आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं जो JEE के लगभग 280 जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। अगर बात करें राजकीय मेडिकल कॉलेज के अंदर यहाँ पे 213 पदों भर्ती में 4 पद दोस्तों यहाँ पे योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। ऐसे में दोस्तों आप राजकीय मेडिकल कॉलेज के अंदर दोस्तों आप और भी देखेंगे तो एक पद का दोस्तों यहाँ पे जो चयन है वो हुआ था, तो मतलब दोस्तों 2 पद यहाँ पे भी खाली पड़े हुए हैं। अगर दोस्तों बात करें अर्थ और सातवें संख्या निरीक्षक की, इसके अंदर दोस्तों 373 पदों में से सिर्फ 142 यहाँ पर चयन हुआ था, बाकी 231 पद दोस्तों यहाँ पर खाली चले गए थे। एलोपैथिक के अंदर भी दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं 2354 पदों में से सिर्फ 200 यहाँ पर जो भरने की संख्या थी 2243 आपको देखने के लिए मिले हैं। डेंटल सर्जन के अंदर भी 60 पद 200 खाली है, नीचे 36 पद 200 नीचे भी आपको देखने के मिल रहे हैं। तो लगभग दोस्तों अगर बात के इन पदों को जोड़ दिया जाए, साथ में अगर दोस्तों बात के LT ग्रेड के पदों को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि दोस्तों आप सभी नीचे देख पाएंगे, नीचे देखने के लिए मिल जाएगा LT ग्रेड को लेकर अगर बात करें दोस्तों 13 विषयों में से 7480 पदों का रिजल्ट दोस्तों घोषित किया गया, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अगर बात करें 4243 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अंग्रेजी गणित और साथ में अगर बात करें विज्ञान के अंदर, कला के अंदर, कंप्यूटर के अंदर दोस्तों पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा खाली रही है। तो आगामी समय के अंदर दोस्तों इन पदों पर भर्ती हो सकती है, लेकिन फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कब तक होगी, थोड़ा सा आप सभी को और पेशेंस रखना पड़ेगा। ये दोस्तों बात हुई थी लोक सेवा आयोग को लेकर। LT ग्रेड दोस्तों जो चयनित अभ्यर्थी हो चुके हैं वह भी अभी तक दोस्तों नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जानकारी दी गई है कि सितंबर महीने के अंदर उनको नियुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इससे पहले भी कई बार ऐसा कहा गया लेकिन होता नहीं है, तो अभ्यर्थी और भी ज्यादा परेशान होते हैं। वही दोस्तों अगर बात करें LT ग्रेड के रिजल्ट को लेकर, इसके बारे में जल्द दोस्तों अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग के चेयरमैन से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बारे में दोस्तों रिजल्ट के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की जाएगी कब तक दोस्तों यहाँ से जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा, और उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया होगी वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात करें NTPC को लेकर, सोशल मीडिया पर लगातार दोस्तों आपको युवा हल्ला बोल देखने के लिए मिला है, जिसके अंदर दोस्तों सबसे बड़ी जो मांग थी वो SSC को लेकर थी। हालांकि थोड़ी बहुत दोस्तों यहाँ पे पूरी भी हो गई है। RRB NTPC को लेकर दोस्तों देखने के लिए मिल रही थी, उसके बारे में भी दोस्तों काफ़ी कुछ हुआ है। लेकिन अभी ऐसी तमाम ऐसी भर्तियाँ हैं जिनके बारे में अभ्यर्थियों को मांग करनी चाहिए, चाहे वो UPSC की है, UPSSC की है, 69,000 शिक्षक भर्ती है, LT ग्रेड है,
टीजीटी पीजीटी है, क्योंकि ऐसे में अगर अभ्यर्थी यहाँ पर सुस्त होंगे तो उसका बेनिफिट अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाएगा। जैसा कि आप सभी ने देखा, आज भी एनटीपीसी एक दिन ट्रेंड हुआ था शाम 5 बजे जाकर के, दोस्तों आपके सामने डेट अनाउंस हो गई थी। एसएससी के बारे में सेम चीज़ हमें देखने के लिए मिली थी। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप किसी भी भर्ती से संबंधित ट्रेंडिंग हैशटैग के साथ में अपना हैशटैग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर ट्वीट करिए, 100% आप सभी को यहाँ से जो बेनिफिट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आरआरबी इलाहाबाद की जो बात है वो की जा रही, जिसके अंदर बताया जा रहा है लगभग 27 लाख अभ्यर्थी दोस्तों सवा साल से इंतजार कर रहे रेलवे परीक्षा को लेकर। फिलहाल दोस्तों इंतजार उनको थोड़ा और करना पड़ेगा क्योंकि परीक्षा 15 दिसंबर तक है। तो ऐसे में अभ्यर्थी दोस्तों अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।